एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश पर फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई। पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था। रविवार 17 मार्च को इसी मामले में सेक्टर 135 पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने एल्विश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी सुश्री लोकेशा भारती ने बताया कि आने वाले 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि कितनी हैरानी की बात है कि आज के आधुनिक व अत्याधुनिक शिक्षित समाज को भी जागरूक करना पड़ रहा है कि जल संरक्षण कीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों के लिए बंजर भूमि और सूखे जल स्रोत ही बचेंगे पर एक बूंद जल नहीं। साध्वी जी ने बताया कि आज संपूर्ण विश्व में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान संरक्षण नाम की मुहिम चला रही है, जिसमें सेव वाटर की पेंटिंग एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज को जागृत कर रही है कि जीवन के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में लाखों पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे इस मुहिम में शामिल होकर जल बचाने की जीवन शैली को अपना रहे हैं और समाज को भी जागरूक करने की शपथ भी ले रहे हैं। ऐसा भी क्या करेगा, इसलिए पानी पर हमें विशेष ध्यान देना है। हम अपने आज ही अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी पानी का प्रयोग कैसे करें, आइए ये जो पोस्टर्स हैं इन्हीं में पढ़कर मैं आपको सुनाती हूँ। जिस समय आपके घर में कोई भी नल खराब होता है और पानी टपकता है तो आप उसको अवॉइड कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते। आप क्या करते हैं, उसको कई कपड़े से बांध देंगे, ऐसे ही करते हैं ना, या तो कपड़ा लपेट देंगे उसमें या फिर उसके। मथुरा में इन दिनों होली उत्सव चल रहा है। होली के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंच रहे हैं। इसी मौके पर एक दुखद खबर सामने आ रही है। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में खड़े लोगों के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक बरसाना विश्वविख्यात राधा रानी के मंदिर में रविवार 17 मार्च को लड्डू होली का उत्सव मनाया जाना है। इसी उत्सव में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां इकट्ठा हो गए। व्यवस्था के लिए यहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पुलिसकर्मी जिस वक्त लड्डू बटोरने में लगे हुए थे उसी वक्त अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की याचिका पर होगी। महाराष्ट्र में विपक्षी इंडिया के बीच सीट शेयरिंग की डील पक्की मानी जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में कल हुई बैठक में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी के बीच 22, 16 और 10 फॉर्मूले तय हो गया है। जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। इसी तरह की देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।